नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ पनीर रोल। पनीर रोल बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: कद्दूकस किया हुआ पनीर 250 ग्राम, पिसी चीनी या बूरा आधा कप या स्वाद अनुसार, नारियल का चूरा आधा कप, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, कटा पिस्ता 1 चम्मच, देसी घी 1 चम्मच। सबसे पहले पनीर को कद्दूकस कर लेंगे, जो कि हमने पहले से ही करके रखा हुआ है। यदि आप घर में पनीर बनाना चाहते हैं, पनीर बनाने की विधि पहले से ही बताई हुई है। गैस जलाएंगे और कढ़ाई में घी डालकर गरम करेंगे। पनीर डालेंगे और कड़छल से चलाते हुए कम आंच पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। स्वाद अनुसार पिसी चीनी या बूरा नारियल डालेंगे और चलाते हुए कम आंच पर हल्के सुनहरे रंग का होने तक भून लेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। इलायची पाउडर डालकर मिलाएंगे। मिश्रण भुनकर तैयार हो चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिश्रण ठंडा हो चुका है, यदि आवश्यकता हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच मलाई डालेंगे और मिलाएंगे और उंगलियों व हथेली की मदद से रोल का आकार देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे ही सभी पनीर रोल को बना लेंगे। आप इनका सेवन उपवास में भी कर सकते हैं। पनीर रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। एक प्लेट में नारियल का चूरा लेंगे। पनीर रोल को नारियल के चूरे में लपेट देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्लेट में पनीर रोल को रखेंगे और पिस्ते से सजाकर परोसेंगे। आप इनको बनाकर 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे तब आप इनका सेवन कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।